बैठकर अल्लाह की इबादत किस तरह की जाए इस उनवान पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ, इंशाल्लाह दुआ भी करवाएंगे। हमारे नियतों से तशरीफ लाए मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी नसरुल्लाह हसन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आपके सामने खिताब फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوم الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دو تین منٹ میں نے صرف گفتگو کرنی ہے, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं। वक्त काफ़ी बीत चुका है और खिताबात भी तकरीबन हो चुके हैं, फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और रहमत से गुफ्तगू होगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलक तुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें रब की जन्नत में जाने से रोक दिया है, तुम क्यों नहीं जन्नत में आए। तो जहन्नमी चार बातें करेंगे, उन चार बातों में सबसे पहली बात यह है कि जब नमाज का वक्त होता था तो तुम लोग नमाज पढ़ते थे और हम नमाज के बागी थे। قالوا لم نكن من المصلين, नमाज के बागी अल्लाह की जन्नत के मालिक और वारिस नहीं बन सकते। ये नमाज के लिए जगह मुंतखब की गई है। कायनात के इस खित्ते में सबसे अजमत वाली, सबसे शान वाली, सबसे मोहतरम अगर कोई जगह है तो उसका नाम है मस्जिद। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में सबसे पहला जो घर तामीर हुआ है, सबसे पहला घर वो मस्जिद ही बना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा है तो मदीने में आए तो पहले दिन आपने जिस जगह पर पड़ाव डाला है वहां भी सबसे पहला काम मस्जिद का ही किया है। और फिर ये मस्जिदें जो बनाने वाले हैं ना, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि जो अल्लाह की जात पर, उसके रसूल पर और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं वो लोग ही मस्जिदों की तामीर करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो आज हमारे भाई बड़े ही काबिल एहतराम कारी अबैदुल्लाह साहब ने अपना घर जो अल्लाह की रजा के लिए वक्फ किया है, यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं खुशी के इन लम्हात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे इन सारे भाइयों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और याद रखो, मस्जिद की तामीर के बाद जो अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती है। तो ये कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का टाइम है, तो सारे मिलकर दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को जितना जितना हिस्सा कोई भाई डाल रहे हैं या जो मुआमिलीन इनके साथ मिलेंगे उन सबके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के तावन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और खुसूसन ये हमारे भाई करिया साहब, करी खजर साहब, करी अल्लाह साहब, करी अब्दुल अजीज साहब, माशाल्लाह बड़ा दीन के साथ इनका गहरा ताल्लुक है और बड़ी इन्होंने खिदमत की है दीन की। खानेवाल की तारीख गवाह है कि खानेवाल में इन्होंने जितने बच्चों को तालीम दी है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो खुसूसन दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह इस जगह को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह इसमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको अपनी तरफ से ही दूर फरमा दे और हर तरह की आसानियां पैदा फरमाए। आखिर उदावारा में अब्दुल्ला।
ਡੇਟਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.